हेलो फ्रेंड्स, आज बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी। जिसके लिए पत्ता गोभी को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और उसको बारीक काट लिया है, और उसी के साथ साथ मैंने एक बड़ा सा टमाटर काटा है और ये एक प्याज काटी है। आलू को धो के छिलके के साथ ही काटा है। कुछ हरी मिर्च के टुकड़े लिए हैं, ये हरी धनिया डंठल के साथ लिया है। तड़के में राई, मेथी, जीरा तीनों डालेंगे। 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/4 टीस्पून हींग है, और इधर है 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर है और 1/2 टीस्पून तैयार अचार मसाला है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। कढ़ाई में तेल रख दिया है और ये इसके अंदर मैंने तिल का तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म होता है इसके अंदर मैंने राई, मेथी, जीरा का तड़का डाल दिया है। तड़के को क्रैकल होने देते हैं, और जैसे ही तड़का क्रैकल होता है तो पहले तो गैस की आंच को कर देंगे स्लो, और उसके बाद ये अपने प्याज, आलू और हरी मिर्च सब साथ में ही डालेंगे और इसको 2-3 मिनट फास्ट आंच करके चलाएंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनना है, बस ज़्यादा नहीं। और ये देखिए अपना बढ़िया सा भून के रेडी हो गया है 2-3 मिनट बाद। और अब अपने इसके अंदर सबसे पहले तो डाल देंगे हल्दी और हींग, और इसके बाद अपने डाल देंगे ये कैबेज और टमाटर साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि आलू अपने उसमें भुने हैं तेल में तो जल्दी ही हो जाएंगे। तो ये और नमक डालेंगे स्वादानुसार, और ये पत्ता गोभी अभी फूली फूली दिख रही है, बाद में वो हो जाएगी, बैठ जाएगी, तो नमक थोड़ा संभाल के डालें और थोड़ा सा इसके अंदर काला नमक डालेंगे ताकि थोड़ा डाइजेशन में भी बढ़िया रहे। और इसके बाद ये आँच को कर देंगे फास्ट, और इसको अच्छे से पहले तो कर लेते हैं मिक्स, और मिक्स करके इसको कवर करके अपने 2 मिनट फास्ट आँच पे होने देंगे ताकि अपनी सब्जी बढ़िया से ऊपर तक पहले तो अच्छे से गर्म हो जाए। तो अपने ये सब्जी को कर देते हैं कवर, और अब देखिए 2 मिनट बाद वापिस ये अपनी सब्जी गल के बैठ गई है। और अब अपने आँच को कर देंगे मध्यम, और ये साथ साथ में धनिया के डंठल है वो भी डाल देंगे, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और इसे टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो ये धनिया और धनिया का डंठल वाला पार्ट साथ में ही डाल देते हैं। आँच को कर देंगे मध्यम, और ढक के प्रॉपर कुक होने तक बीच बीच में चलाते हुए अपने ये सब्जी को पकाएंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब अपने ये सब्जी को कर देते हैं कवर, और ये देखिए 8-10 मिनट बाद अपनी सब्जी लगभग प्रॉपर कुक होने आई है। और अब अपने इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा तैयार अचार मसाला है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, और इसको भी अच्छे से कर देते हैं पहले तो मिक्स, और बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि नीचे से चिपके नहीं, नहीं तो गोभी बड़ी जल्दी चिपक भी जाती है। और ये देखिए अपनी बढ़िया सी सब्जी, 2 मिनट इसको और सीझने देते हैं, सब्जी प्रॉपर कुक हो गई है। और अपने ये देखिए आपको आलू काट के दिखा रहे हैं, बढ़िया सा एकदम प्रॉपर कुक होके रेडी हो गया है। और अब अपने गैस को कर देंगे बंद, और ये अपनी बढ़िया सी सब्जी पे गया फ्रेश धनिया, और ये सब्जी देखिए कितनी लजीज बनी है, जिसको मैं सर्व करूंगी बढ़िया से पराठे के साथ। और ये मैंने बनाया ब्रेकफास्ट के लिए, और इसी के साथ साथ लंच में देखिए मैंने चावल है, गोभी की सब्जी है, थेपला है, चना दूधी का साग है, आम है और दही है। तो इस तरह से मेरा लंच भी बढ़िया बन के तैयार है। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय पेज। थैंक यू।